द बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा ने अपनी नई स्कॉर्पियो एसयूवी का टीजर रिलीज कर दिया है और एक नया नाम दे दिया है द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। अब इस बात से तो पक्का हो चुका है कि इसके टक्कर की और कोई एसयूवी नहीं होने वाली, क्योंकि डैडी तो डैडी होता है। तो डैडी तो डैडी होता है, उस बात से ये पता चल जाता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो अब जल्द ही मार्केट में आने वाली है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि महिंद्रा की 20th एनिवर्सरी आ रही है, उसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के बारे में, जो जून मंथ नेक्स्ट मंथ है जो उसमें लॉन्च हो जाएगी, और इस बार इस महीने टीजर ही टीजर आएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो टीजर आती है आपको जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर देंगे। तो चलिए एक्सटीरियर से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कैमोफ्लोज में दिया गया था, सेम एज यूजुअल एक्सटीरियर आपके सामने मिल रहा है। नई LED हेडलैम्प्स और नीचे आपको DRLs के साथ मिल जाएंगी। नीचे आपको सी में फॉग लैम्प मिल जाएंगे, और पहले से स्कॉर्पियो का लुक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड, लेंथ भी बढ़ गई है, हाइट भी बढ़ गई है, और विड्थ भी बढ़ गई है। तो स्कॉर्पियो अब वो स्कॉर्पियो नहीं रही, अब नई स्कॉर्पियो लग्जूरियस फील के साथ आपको मिलने वाली है। जो पीछे वाला डोर था उसमें से एंट्री नहीं होगी, आगे से टंबल सीटी आपको मिलेंगी। अब इंटीरियर की ओर चलते हैं। इंटीरियर में देखिए, पार्ट शेयरिंग आपको XUV 700 के साथ मिलेंगे, नया लोगो भी मिलेगा, इंफोटेनमेंट भी नया मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। जैसा ये नई नई अभी वीडियोज़ के माध्यम से या इमेजेस लीक हुई थी, तो उनमें बिल्कुल ही कन्फर्म हो चुका है कि इस बार महिंद्रा आपको कुछ नया ही करके देने वाला है। इंटीरियर में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी है, महिंद्रा ने एज यूजल नया बिल्कुल इंटीरियर, नया एक्सटीरियर, सब कुछ स्कॉर्पियो की जनरेशन ही बदल दी है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से लेकर नई वेंटिलेटेड सीट्स भी आने की संभावना है। डोर भी कहूँ तो पिछले बार के मुकाबले काफ़ी हैवी बना दिया, देख सकते हैं आप। और आपको इस बार सनरूफ भी स्कॉर्पियो में कन्फर्म हो चुकी है, मिलेगी। स्काई रूफ नहीं होगी जैसे महिंद्रा XUV 700 में आती है, पर लेकिन सनरूफ छोटी मिलेगी। टंबल अप सीट आपको इस बार आपको सेकंड डोर से ही करनी होगी, पिछले वाला रियर डोर सिर्फ आपको बूट स्पेस के लिए एक्सेस होगा। तो ऑल स्कॉर्पियो में कमी किसी चीज़ की नहीं मिलने वाली, स्कॉर्पियो इस बार बिल्कुल ही बदल दी गई है, इसीलिए नाम रखा गया है द बिग डैडी ऑफ SUVs। तो भाई इस बार जो गाड़ियाँ हैं SUVs अपने आप को कह रही हैं, तो वो थोड़ा बच कर रहे हैं, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखो जिसको प्रीमियमनेस की ओर जाना है वो XUV 700 की तरफ जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी प्रीमियम नहीं होने वाली वो SUV आपकी स्कॉर्पियो जितनी XUV 700, क्योंकि जब नाम ही SUV है तो ऑफ रोडिंग व्हीकल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़न को क्रिएट ना करें, अगर प्रीमियमनेस चाहते हैं तो XUV 700 की ओर जाएं, अगर थोड़ा सा कम प्रीमियमनेस चाहते हैं तो बिग डैडी की तरफ जा सकते हैं। बिग डैडी मतलब आपकी स्कॉर्पियो 2022। देखिए प्राइस अभी रिवील नहीं हुआ है, कुछ भी थोड़ा भी बहुत भी हमें नहीं पता लगा, जैसे ही प्राइस की कुछ रिवील होगा या नया टीजर आउट होगा तो हम आपके चैनल अपने चैनल पर जरूर ले आएंगे आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो आते ही या महिंद्रा की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने चैनल पर जरूर आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।